किसान भाइयों, राम राम। मैं राम कृपा कृषि फार्म में आपका फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, हमने अभी जो पिछला वीडियो डाला बॉर्डर के ऊपर, हमने सागवान के प्लांट लगाए, खेजुरेना के प्लांट लगाए और तार जाली की, उसके ऊपर हमने जो वीडियो डाला है किसान भाइयों, वह चारों तरफ का वीडियो जो बॉर्डर पर हमने काम किया है उस पर था। और जो हमने बीच में रोड बनाए हुए हैं, हमने हमारे 8 एकड़ को 4 टुकड़ों में डिवाइड किया हुआ है, तो जो बीच वाला रोड है उस पर हमने नारियल के प्लांट लगाए हैं। किसान भाइयों, यह आप देख रहे हैं, ये नारियल का प्लांट, सबसे पहले मैंने 2 प्लांट 2019 में ही लगा दिए थे। किसान भाइयों, आज यह 4वें साल की उम्र में है और आप देख सकते हो कितनी बढ़िया इसकी ग्रोथ आ रही है। और उसके बाद में फिर मैंने मेरे पूरे बीच वाले रोड पर करीबन 100-125 प्लांट नारियल के लगाए हुए हैं। किसान भाइयों, नारियल भी कहीं पर भी हो सकता है, प्रकृति के अंदर अनलिमिटेड व्यवस्था है। और हम कहीं ना कहीं डरते रहते हैं, यार यह समुद्र साइट ही इसका उत्पादन होता है, हमारे एरिए में होगा नहीं, तो इसको खारा पानी चाहिए, समुद्र किनारे खारा पानी नारियल को मिलता है, इसलिए यह ज़्यादा ग्रोथ करता है। जब हम हमारे खेत पर नारियल के प्लांट लाए, ये 2 प्लांट जब हमने लगाए, ये बहुत ही कम ग्रोथ कर रहे थे। तब फिर हमने इस पर सर्च किया तो हमारी जानकारी में आया कि इसे नमक अगर हम देंगे तो अच्छी ग्रोथ आएगी, तो हमने इनमें नमक डालना चालू किया। नमक डालने के ठीक महीने 1.25 महीने के बाद में इस पर हरापन आने लगा, बढ़िया से ग्रोथ चालू हो गई और आप देख सकते हो अभी बहुत ही बेहतरीन तरीके से यह ग्रोथ कर रहा है। उसके बाद में हमने जो 100-125 प्लांट फिर लगाए, उसको अभी हम कंटिन्यू महीने में 1 से 2 बार 1-1 मुट्ठी नमक डालते रहते हैं, जिससे नारियल के प्लांट में बहुत बढ़िया ग्रोथ आ रही है। अगर ग्रोथ अच्छी आ रही है, अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है, तो नारियल भी ज़रूर आएंगे। और हमें पूरा विश्वास है माँ प्रकृति के ऊपर, ऊपर वाले के सिस्टम पर, कि बहुत बेहतरीन तरीके से नारियल का उत्पादन भी हमारे एरिया में भी आएगा। इसलिए जो बीच की मेर है, जहाँ पर हमें कोई दूसरा इनकम का स्रोत नहीं मिल रहा है, वहाँ पर भी हम ऐसे प्लांटों का ट्रांसप्लांट करके 5-6 साल के बाद में एक बहुत बढ़िया इनकम का स्रोत डेवलप कर सकते हैं। इसलिए मैं बागवानी करने वाले भाइयों को मेरा अनुभव साझा कर रहा हूँ कि आप कहीं पर भी कोई खाली जगह ना छोड़े, आप जहाँ जो चीज़ चाहिए उसे आप कंटिन्यू करते रहे। अगर हम बारीकी से हमारे खेत को देखेंगे तो ऐसी बहुत सारी जगह हमें मिलेगी जहां से हम एक इनकम का स्रोत डेवलप कर सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों, आप चारों तरफ बारीकी से नज़र डालें और जहां पर जिस प्लांट की ज़रूरत है आप वहां उसे लगाएं। आप बागवानी के अंदर अंतर प्रवाही फसलें भी, जैसे अदरक है, हल्दी है, हमने बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर डाले हुए हैं, वो कर सकते हैं। और जो हमारी बॉर्डर है उस पर भी आप एक इनकम का स्रोत डेवलप कर सकते हैं। जो बीच में हम रास्ते बना रहे हैं उस पर भी ऐसे प्लांट लगाकर बढ़िया से आप फार्म को डेवलप कर सकते हैं। हमने हमारे यहाँ 8-5 का डिस्टेंस है, तो 16 फीट के ऊपर नारियल का प्लांट लगाए हुए हैं। आप देख सकते हो हमारे यहाँ नारियल के प्लांट लगे हुए हैं, उसके बीच में हमने एक एक गुलाब का फूल लगाया हुआ है, बेले भी लगाई हुई है, जिससे एक बढ़िया प्राकृतिक माहौल बन रहा है। और फूलों से मधुमक्खियां हमारे खेत पर ज़्यादा आती है, जिससे फूल परागण बहुत ही ज़्यादा तादाद में होते हैं, ज़्यादा तादाद में फल सेट होते हैं। फल ड्रॉपिंग की समस्या में इसका एक बहुत बड़ा रोल है। अगर हम हमारे खेत में फूलों के प्लांट लगाते हैं तो मधुमक्खियाँ हमारे खेत पर ज़्यादा अटैक होती है और उससे फूल परागण बहुत ही ज़्यादा तादाद में होते हैं। इसलिए आप जो बीच में रास्ते बनाए हुए हैं आपके यहाँ, उन पर भी ऐसा काम ज़रूर करें। यह हम हमारे फार्म पर कर रहे हैं, हमारा अनुभव हम आपके साथ साझा इसीलिए करते जाते हैं। धन्यवाद।